असमर्थ। पहला सवाल तो यही है कि बार बार ये दावा किया जा रहा है विष्णु जैन और हिंदू पक्ष की तरफ से कि पूजा का अधिकार मिलने की यहाँ पर दलीलें पेश की जाएंगी, जरा बताइए इस सुनवाई में क्या कुछ बातें अहम रहने वाली हैं? शुभांकर, आज बड़ा दिन है क्योंकि ज्ञानवापी मामले में एक बार फिर से सुनवाई शुरू होनी है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ की तस्वीरें, मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको जिला और सत्र न्यायालय वाराणसी का गेट यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और ये एक बहुत अहम दिन है क्योंकि यहाँ पर आज प्रॉपर समर वेकेशन के बाद कोर्ट एक बार फिर से खुला है और आप यहाँ पर मौजूदगी अगर देखेंगे, चहलकदमी यहाँ पूरे एरिया में बढ़ गई है और ये वही रोड है जो पूरी कनेक्ट करती है। सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है, पुलिस कर्मियों की संख्या बहुत है। इसके अलावा अपडेट एक ये है, केवल 40 लोग कोर्ट रूम में अलाउड होंगे जिसमें याचिकाकर्ता हैं, जिसमें एडवोकेट से उनके अलावा कोर्ट रूम में किसी को भी परमिशन नहीं दी गई है। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा रही बात दलीलों की, तो मुस्लिम पक्ष जो है दलीलें आज फिर पेश करेगा, पिछले दो दफा से वो लगातार पेश कर रहा है। कुल 52 है जिसमें से लगभग 40 के अराउंड होने की हो जाने हैं। उसके अलावा आज से लेकर कल तक का समय मुस्लिम जो पक्ष है वो ले सकता है जिसमें उसकी दलीलें खत्म होगी, जिसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें रखना शुरू करेगा। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी हम आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे तमाम जानकारियां लेंगे। मल्लिका बिल्कुल, और समर्थ आपके पास हम आगे लौटेंगे, लेकिन समर्थ ने ही विष्णु शंकर जैन से बातचीत की थी जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, और एक बार फिर उन्होंने इसी बात को जोर देकर के कहा कि जो कोर्ट कमिश्नर द्वारा रिपोर्ट दायर की गई है उसमें शिवलिंग की बात स्पष्ट सामने आ रही है। सुनते हैं क्या बातचीत हुई समर्थ और विष्णु शंकर जैन के बीच। आज एक बार फिर मेंटेनेबिलिटी का केस वाराणसी कोर्ट में शुरू होना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। एक बार फिर से आपकी वापसी हुई है, गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, आज का क्या है, आज क्या होना है कोर्ट? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पिछले दो हियरिंग में अपने बहस रखी थी कोर्ट के सामने मेंटेनेबिलिटी के इशू पे। हमारे जो प्लेन के 50 पैरा उस पर 36 पैरा तक उन्होंने पढ़ा है, आगे के पैरा उनको पढ़ने और अपने सबमिशन कोर्ट के सामने रखने, और जब उनकी प्लीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम उसमें अपने जवाब रखेंगे। इतना वक्त लग सकता है, आज का दो दिन लग सकता है? मुझे लगता है आज और कल मुस्लिम पक्ष अपने बहस, मुझे ऐसा अनुमान है, हो सकता है आज ही वो अपनी बहस खत्म कर दें, नहीं तो आज और कल वो दो दिन का समय और ले सकते हैं अपनी बहस कंप्लीट करने के लिए, उसके बाद हम उसका जवाब देंगे। लगातार 91 एक्ट का हवाला दे रहे हैं, आप लोग क्या लग रहा है? देखिए, 91 का एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। अभी इस केस में एविडेंस लीड करी जानी है और धार्मिक स्वरूप उस संपत्ति का 15 अगस्त 1947 को क्या था ये तय होना है, क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 का जो था वो रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था ये कोर्ट में एविडेंस के थ्रू ही लीड हो सकता है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसके पक्ष में अप्लाई होता है। अगर कोर्ट ये तय करती है एविडेंस के बाद कि धार्मिक स्वरूप मस्जिद का था 15 अगस्त 1947 को, तब ये जगह मस्जिद की रहेगी, और अगर धार्मिक स्वरूप हिंदू मंदिर का था तो ये जगह हिंदू मंदिर की रहेगी और तब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट हमारे पक्ष में अप्लाई करेगा। आपने हरिशंकर जी ने लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग चाहेंगे कि एएसआई का इसमें इन्वॉल्वमेंट है जिससे कि चीजें पारदर्शिता सामने आए। देखिए, अभी एएसआई की जो मांग है, जो बात है, अभी हम मेंटेनेबिलिटी का इशू एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें, इसमें हम कोर्ट के सामने अपने आर्ग्यूमेंट्स रख लें, ये डिसाइड हो जाए, उसके बाद एएसआई की जो बात है वो आगे बढ़ेगी। मतलब आगे ले जाएंगे ऐसे? नहीं, बिल्कुल, एएसआई तो आगे चल के हमें करना ही करना है, पर वो कब करना है, कैसे करना है, एक बार सारे लोगों से डिस्कस करके और सारे महिला याचिकाकर्ताओं से डिस्कस करके उसमें आगे बढ़े। रवि दिवाकर का लेटर और फिर जो आपने देखा होगा तो कैसे देखते हैं? कौन सा लेटर? जो जज साहब का लेटर आया कि उन्होंने लिखा कि मैं मतलब मुझे इस तरह के वो मिल रहे हैं, थ्रेटनिंग्स मिल रहे हैं। नहीं, बहुत वो सेंसिटिव और सीरियस इशू है, जिस तरह से एक सिटिंग जज को जिन्होंने इस केस को डिसाइड किया और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे डिसाइड किया, उनको जिस तरह से थ्रेट लेटर्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है सरकार उसकी जांच भी कर रही है जो मेरी नॉलेज में बात आई है, और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है, और मैं आशा करूंगा कि इस देश के जुडिशरी के न्यायाधीश जो भी ऐसे काम कर रहे हैं उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी दी जाए और वो अपना काम निष्पक्ष ढंग से कर पाए, ऐसी मेरी उम्मीद है।